बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपने तो मंडल कमीशन का जिक्र किया और उस समय आपने कहा कि जिस तरह से चीजें हुई थी देश में वो लोगों ने देखी हैं, उसी लिए मैं कह रही हूँ कि इसकी संवेदनशीलता को हर पार्टी समझती है भाटी जी, हर पार्टी। और इसीलिए जैसे ही चुनावी बिगुल फूका गया, यहां से विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि संविधान खत्म कर देंगे, ये 400 पार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संविधान ही खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। इसका आधार क्या है भाटी जी? मैं आपका अजम्पशन अलग है, लेकिन सच बोलने, अगर आप सच कह रहे हैं तो उसका तो कोई आधार होना चाहिए। किसी ने कहा, पार्टी ने कोई मूव किया? अगर वो जो करना चाहते हैं, वो यूसीसी लाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं हम यूसीसी लाना चाहते हैं, वो अगर 370 हटाने की बात करते थे तो वो पहले से अपने मैनिफेस्टो में कहते थे, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का सफाया, ये फर्क है दोनों में। देखिए, इसका जो ये संदेह किया जा रहा है, इसके ठोस आधार है। पहली बात तो मैं बता दूं, आरक्षण की मूल भावना है सामाजिक न्याय। जो लोग ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमें बात करनी चाहिए पिछड़े की, अगड़े की, कौन पिछड़ा है उसे कैसे ला। लेकिन आरक्षण पे तीनों लोग जो बीजेपी के समर्थन में बोले हैं आपके पैनल में, तीनों ने हिंदू मुसलमान किया है। मुसलमान को दे देंगे, पिछड़ों को काट के दे देंगे, आरपी सिंह जी भी कह रहे थे, ईशकरण भंडारी भी कह रहे थे। पिछड़ों को, इन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि पिछड़ों को जो आरक्षण है उसमें मुसलमान ऑलरेडी है। मुसलमानों की ज्यादातर जातियां उसमें, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो उस आरक्षण में हैं पहले से ही, उसे अलग से देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो कर्नाटक का मसला उठ रहा है, कर्नाटक में मुसलमान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की देवगौड़ा की सरकार ने, और वो देवगौड़ा इनके साथ एनडीए का हिस्सा है, इनके गठबंधन में है। तो पहले जवाब इन्हें ही देना चाहिए कि अगर वो उसे खराब मान रहे हैं तो देवगौड़ा को क्यों अपने एनडीए में रखा, उन्हें बाहर निकाल लिया आप। और जहां तक बात है वीडियो की, इस देश में वीडियो का शिकार सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हुए हैं। उन्होंने एक मोदी जी का भाषण बोला था गुजरात के चुनाव में, कि मोदी जी कल कह के गए थे कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकल जाएगा। उस वीडियो को आज तक राहुल गांधी के नाम से चलाया जाता है और बाकायदा टीवी डिबेट्स में बोला जाता है, कई तो एंकर भी बोलते हैं। किसी चैनल ने ये आपत्ति नहीं की कभी के भाई राहुल गांधी का फर्जी क्यों चला रहे हो आप? नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। सुनिए भाटी जी, इसमें एक चीज देखिए, आप बात कह रहे हैं वीडियोस बनाने की, मैं मानती हूँ ये दोनों तरफ से बनते हैं और ऐसे ऐसी सोशल मीडिया पर ऐसे समर्थकों की भीड़ लगी है जो दोनों तरफ के वीडियोस आगे करते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं सर, एक ऐसा वीडियो जो देश में तनाव फैला सकता है वो वीडियो आगे करना, दूसरी चीज ऐसे वीडियो को आगे कौन कर रहा है, पार्टी के ही लोग कर रहे हैं, ये दूसरी चीज है। ये दोनों ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा गंभीर सवाल ये है कि जब किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ फर्जी वीडियो चलता है तो मीडिया मौन साध जाता है, और बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ चले तो लगातार डिबेट होगी। बिल्कुल नहीं सर, सुनिए, नहीं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं फेक वीडियोस की बात, भाटी जी आप फेक वीडियोस की बात, भाटी जी आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दोनों तरफ से ऐसे वीडियोस, और पार्टी के ये समर्थक भी हैं जो एक तरह जो हम कहते हैं ट्रोल आर्मी लगी रहती है वो करती है, ये आप जानते हैं। लेकिन एक वीडियो जो देश की शांति व्यवस्था में पे सवाल खड़ा कर सकता है, ऐसे वीडियोस को लेकर चिंताएं हैं। मैंने फिर कहा, ममता जी, देश का गृह मंत्री सभा में खड़ा होकर बोल रहा है हम आए सत्ता में तो आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका प्रभाव क्या आलू वाले वीडियो जैसा है? देखिए, बिल्कुल नहीं है। ये तो मतलब आपने वो वाली बात कर दी ना कि आप आसमान में और पाताल के अंदर की दो चीजों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने किसी नेता के बारे में बात बोली है, ये हमें समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा और विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। ये आप देश के गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना? तो ये सेंसिटिव मुद्दा है। आप गृह मंत्री जी के नाम पर इतना बड़ा झूठ डीप फेक वीडियो के माध्यम से फैलाएंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो भाई, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आज आपकी राजनीति इस लेवल पर गिर गई है और उसके बाद आप क्या मतलब कैसे जोड़ रहे हो कि भाई आलू वाला और ये जो आरक्षण वाला जो वीडियो है सेम प्लेटफॉर्म पर है, ये दोनों वीडियो एक जैसे हैं। मतलब इससे ज्यादा ना वाहियात कोई ना तो बात हो सकती है ना कोई जस्टिफिकेशन कोई विपक्ष वाला दे सकता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब है ये। और ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वरुण जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितनी बार ये बात कही गई है? जब देश के प्रधानमंत्री सभा से कहते हैं आरक्षण नहीं खत्म होगा, क्या पूरा नैरेटिव इस चुनाव का आरक्षण पर आ गया है? और मैं तो कहूंगी ये उपलब्धि है आपकी, ये विपक्ष की उपलब्धि है कि अब बीजेपी भी विपक्ष होकर जवाब दे रही है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये तो वरुण जी, ये मुद्दा जिस तरह से उठाया गया है, चुनाव का बिगुल फूका नहीं वहां से बोलना शुरू कर दिया आरक्षण खत्म कर देंगे, अब वो भी जवाब दे रहे हैं।
सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। राहुल गांधी भी माननीय सांसद, हाँ। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री भी सांसद, हाँ। तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है कि राहुल गांधी की तो फेक वीडियो चलाओ और उन दोनों के नहीं चलाओ। ये क्लैरिफिकेशन दिमाग में रखिए आप सब लोग। पूरे 543 सांसद, एक एक सांसद माननीय है, एक एक सांसद माननीय है। आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो एक सांसद? गलत 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 बात एक्सेप्ट नहीं है, गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। सारे सांसद इक्वल हैं, सारे सांसद इक्वल हैं। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, खाली नॉइज पॉल्यूशन होगा, खाली नॉइज पॉल्यूशन होगा। जिससे उस वीडियो में का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ेगा इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ। इश्करण एग्जैक्टली, उसमें अरेस्ट भी हो गया है, असम से पहला अरेस्ट हुआ है उस मामले में, गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कहा जा रहा है कि आरक्षण किसने दिया कर्नाटका में, हाँ। तो आप डेक्कन हेरल्ड अखबार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी वीरप्पा मौली की स्टेटमेंट आई हुई है, आई वॉज सीएम व्हेन मुस्लिम्स गॉट कोटा। तो भाटी जी वो अखबार पढ़ लें, वो रिकॉर्डेड है, तो प्लीज ये मत कहिए कि कांग्रेस ने नहीं दिया था, ये रिकॉर्डेड है उनके मुख्यमंत्री के अपने शब्दों में, अपने इंटरव्यू में है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। बहुत ही अजीब बात है, किसी की भी फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं की जानी चाहिए, ये तथ्य वाली बात है। पर दूसरी बात कि एक एमपी और एक होम मिनिस्टर सेम कैटेगरी है, तो प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। सारे मिनिस्टर्स की कैटेगरी अलग होती है, होम मिनिस्टर की अलग कैटेगरी होती है, प्राइम मिनिस्टर की अलग कैटेगरी होती है। ये इतनी किताबें जो पीछे रखी हुई हैं कांग्रेस के नेताजी ने, वो प्लीज पढ़ भी लीजिए। बहुत बहुत फंडामेंटल। जल्दी से एक खबर बता देती हूँ, एक खबर बता रही हूँ। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर सीएम रेवंत रेड्डी का बयान दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईडी सीबीआई के बाद अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। ये रिएक्शन आया रेवंत रेड्डी का। ये बड़ी खबर बता रही हूँ। इसी के साथ समय नहीं है मेरे पास महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लेकिन गंभीर मामला है और मुझे लगता है अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वीडियो किसी का भी